सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चल रहे अभियान के क्रम में नगर निगम हल्द्वानी एवं प्रशासन की टीम ने कमलवागांजा स्थित रिलायंस मार्ट में छापेमारी की। भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद कर जब्त भी किया। इस कार्यवाही के दौरान मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, तहसीलदार संजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त गौरव भसीन व निगम कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि रिलायंस मार्ट के कर्मचारियों के द्वारा दावा किया गया कि पैकिंग के पॉलीबैग प्रतिबंधित प्लास्टिक की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार पैकिंग पॉलीबैग प्रथम दृष्टि से प्रतिबंधित प्लास्टिक की श्रेणी में है। उसने कहा कि साथ ही इनके जो ओपन में प्रतिबंधित सामान थे उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। इस समय नगर निगम की टीम के साथ नगर आयुक्त साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भी टीम है और छापेमारी का अभियान पॉलीथीन के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जिसमें रिलायंस मॉल में काफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा लगभग ये एक ट्रक के लगभग इनके पास पॉलीथीन है, जिसमें से कुछ पर QR कोड है, बाकी पे अंकित नहीं है। इसके लिए पोल्यूशन बोर्ड की टीम को भी यहीं बुलाया गया है और जितना भी प्रतिबंधित है उसे जब्त किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई है वो नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही मैं ये अपील भी आपसे करना चाहूँगी कि जो लोग भी जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन यहाँ प्रतिबंधित हो चुकी है तो कृपया उसका उपयोग मत करें, क्योंकि ये अभियान लगातार जारी रहेगा और निश्चित ही कड़ी कार्रवाई चलती रहेगी। इसलिए जो यूज़ कर सकते हैं, जो प्लास्टिक के बैग प्रतिबंधित हैं उनको मत यूज़ करें, पेपर और कपड़े के जो बैग हैं और जिनका प्रयोग अधिकृत है उन्हीं को ही प्रयोग करें। पैकिंग मटेरियल और जो होम डिलीवरी के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े थैले, जिसको कि आप देख पा रहे हैं नीले रंग का है, हरे रंग का है, वाइट कलर का है, इस पर इन्होंने दावा किया है कि यह उनका अनुमन्य श्रेणी का है। हमने अभी PCB के अधिकारियों को भी बुला लिया है। हमारी नज़र में जो उत्तराखंड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रतिबंधित श्रेणी में है। इनके जो ओपन सामान थे उनको हमने जब्त किया हुआ है, बाकी इनके जो पैक मटेरियल थे उसको हमने इन्हीं के अभी कमरे में रख करके सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा संपर्क हो गया है PCB के अधिकारियों से, वो आ रहे हैं और हमारी दृष्टि में ये प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित श्रेणी में है। हम इसको जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं, इनके जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं और पुनः लोगों से अपील कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मार्ट्स हैं, बाज़ार हैं, मॉल हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं, स्वीट के रेस्टोरेंट के जो व्यापारी हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप पुनः उत्तराखंड की जो प्लास्टिक बैन की गाइडलाइंस है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, उनका पुनः अध्ययन कर लें और जो भी प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक्स हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, उनका उपयोग न करें। यदि आपके पास माल अभी भी है आप स्वेच्छा से नगर निगम में जमा कर दें, अन्यथा छापेमारी की कार्रवाई, जब्तीकरण की कार्रवाई और जुर्माने की कार्रवाई लगातार की जाएगी।